Question number 5. A metal disk is made to spin at 20 revolutions per second about an axis passing through its center and normal to its plane. The disk has a radius of 30 cm and spins in a uniform magnetic field of 0.2 tesla, which is parallel to the axis of rotation. Calculate the area swept out per second by the radius of the disk. The flux cut per second, by the radius of the the and and induced emf in the disk. So question content, metal and this metal this is made to spin, rotate कर रही है okay? ये डिस्क यहाँ पे रोटेट कर रही है रोटेट करते हुए ये पॉइंट उसका पॉइंट ऑफ रोटेशन और ये उसका हो जाएगा एक्सिस ओके okay. और रोटेट कर रही है रोटेट होते हुए उसकी स्पीड यानी एन क्या है रोटेशन पर सेकेंड या रिवोल्यूशन पर सेकेंड ट्वेंटी आर पी एस ओके नेक्स्ट जो हमें कॉन्टेंट यहां पे दिख रहा है वो हो सकता है जिसके डिस्क का रेडियस दिया जा रहा है हमें तो मैं यहाँ पर एक रेडियस मार्क कर देता हूँ so ये डिस्टेंस उसका रेडियस है जो कि है थर्टी सेंटीमीटर एंड स्पिन इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड और रोटेट करते हुए जो इस पर मैग्नेटिक फील्ड एक्ट हो रही है

वो जो हमारा रेडियस है ये रेडियस जब घूमेगा एक रोटेशन कंप्लीट करता है एक रोटेशन कंप्लीट करता है तो ये पूरी सर्कल की एरिया को क्या करता है स्वेप्ड करता है ओके okay? सो so, हमारा क्वेश्चन है एक्चुअली एरिया स्वेप्ड आउट पर सेकेंड सो क्वेश्चन देखो आप नोटिस कर सकते हैं यहाँ पे पर सेकेंड बोलने का मतलब होगा वन सेकेंड एंड विद इन द वन सेकेंड ये रेडियस ऐसे कितने रिवोल्यूशन लगा रहा है सो so नोटिस कर सकते हैं यहां पर उन्होंने आरपीएस दे करके रखा है ट्वेंटी रिवोल्यूशन पर सेकेंड इट मींस कि जो रेडियस है यहाँ पर ट्वेंटी रिवोल्यूशन कर रहा है पर सेकेंड ओके इसका मतलब होगा कि एक रोटेशन में एक बार एरिया कवर होती है देन ट्वेंटी रिवोल्यूशन में क्या होगा ट्वेंटी टाइम्स ही एरिया कवर करेगा सो वी कैन फाइंड द एरिया फर्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन हो जाएगा द एरिया स्वेप्ट बाई रेडियस पर सेकेंड सो हम इसको लिख पाएंगे विच विल बी इक्वल्स टू एरिया ऑफ अ सर्कल मल्टीप्लाइड बाय ये क्योंकि है तो circle की area करेगा area of circle आएगी and वो कितने एक में में कितने करेगा वो पर आकर के होगा अगर ये एक second में एक ही करता तो एरिया ऑफ सर्कल के बराबर होता एक सेकंड में दो करता तो टू टाइम्स एरिया होता इन वे जो भी एन की वैल्यू है ट्वेंटी आरपीएस एरिया ऑफ सर्कल जो कवर करेगा वो ट्वेंटी टाइम्स 20 टाइम्स वो एरिया को कवर करेगा सो so, यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला आपको मालूम होगा दैट इज पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय ट्वेंटी और रेडियस दे करके रखा है क्वेश्चन में हमें द डिस्क हैज रेडियस सो रेडियस कितना है हमारा यहाँ पर 30 सेंटीमीटर विच इज इक्वल्स टू 0.3 पॉइंट थ्री मीटर्स सो पाई इंटू ब्रैकेट स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय ट्वेंटी

और इससे अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं यहां पर तो फाइनली आपको आंसर मिल जाएगा 5.65 मीटर स्क्वायर सो इन दिस वे हम पहले क्वेश्चन को यहां पर कंप्लीट कर लेते हैं एरिया स्वेप्ड आउट पर सेकेंड बाय द रेडियस ऑफ द डिस्क अगला क्वेश्चन है हमारा द फ्लक्स कट पर सेकेंड बाय रेडियस ऑफ द डिस्क सो अब यहां पे हम लोग क्या देख सकते हैं कि हमें फ्लक्स कट पूछ रहा है पर सेकेंड में कितना फ्लक्स कट हो रहा है सो so, आपको इसके लिए flux का so, फ्लक्स का फॉर्मूला नोन होना चाहिए सो हमें यहाँ पे फ्लक्स का फॉर्मूला दैट इज फ्लक्स यानी नीच इज नथिंग नथिंग बट बट फ्लक्स जब भी होता है इज बी अब यहाँ पे जो टर्म बदल रहा है तो बी डेल ए एरिया बदल रही है ना हमारी तो फ्लक्स इज गिवन बाय फील्ड इनटू चेंज इन एरिया ओके तो फ्लक्स इज गिवन बाय फील्ड इनटू चेंज इन एरिया तो फ्लक्स का ये डेफिनेशन है दैट इज फील्ड कितनी चे, आ, फ्लक्स मतलब कितने मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स यहां पे कट हो रहे और बी हमारे पास अवेलेबल है मैग्नेटिक फील्ड कितनी अवेलेबल है जीरो पॉइंट टू टेस्ला तो इसकी वैल्यू में बी यहाँ पे लिख देता हूँ जीरो पॉइंट टू टेस्ला ऐसा यूनिट है तो कोई चेंजेस नहीं आएंगे इंटू डेल ए डेल ए कितना है अभी निकाले हमने 5.65 मीटर स्क्वायर सो 5.65 मीटर स्क्वा जब मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली हमारे पास आंसर आएगा 1.130 पॉइंट so वन थ्री सो यहाँ पर 1.1 पॉइंट वन आगे आ जाएगा हमारा 30 वेब वेबर

पर यूनिट चेंज इन टाइम कितना टाइम मिला उसको फ्लक्स को चेंज करने के लिए नोटिस so, कर सकते हैं कि यहाँ पे सारी कंडीशन हमारी जो रोटेशन की है पर सेकेंड पर सेकेंड सो टाइम भी हमारे पास पर सेकेंड का मतलब कितना होता है दैट इज टाइम इज अवेलेबल इज वन सेकेंड पर सेकेंड का मतलब वन सेकेंड सो फाइनली डेल फाइव हमारे पास अवेलेबल हो चुका है वन डिवाइड बाय टाइम ऑफ वन सेकेंड फाइनली वी विल गेटिंग आंसर एज वन ई एम एफ इज वन पॉइंट वन थ्री जीरो वेब आ, वोल्ट क्योंकि वेबर पर सेकेंड हो जाएगा जो कि वोल्ट होगा ओके okay.